Good morning, students. In today's class, now we are going to discuss about accounting treatment of goodwill. प्रैक्टिकल सम हमने नहीं करेंगे अभी इसके वैल्यूशन ऑफ गुडविल के, कोई बात नहीं, उनको हम प्रैक्टिकल बाद में अटैम्प्ट करेंगे, बट आज की क्लास में हम थोड़ा सा वैल्यूशन ऑफ गुडविल करने के बाद में उसका आप अकाउंटिंग प्रोसेसिंग कैसे करेंगे, अकाउंट्स में कैसे शो करेंगे, ये आज हमारा पॉइंट है आज की क्लास के अंदर, ठीक है ना। अब मेन जो चीज हम लेके चलेंगे, इन द कंडीशन ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, किसी भी रीजन से जब पार्टनरशिप फॉर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है बिकॉज ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमाउंट द एग्जिस्टिंग पार्टनर, नंबर टू बिकॉज ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, नंबर थ्री बिकॉज ऑफ रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर, आप तीनों ही कंडीशन में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल दो तरह की गुडविल का करके चलेंगे हम। दो तरह की गुडविल का जो ट्रीटमेंट है अकाउंटिंग प्रोसेसिंग में शो करके चलते हैं, ओके। नंबर वन, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। सबसे पहला पॉइंट है हमारा फर्म्स गुडविल। कि जो फर्म की गुडविल है उस फॉर्म की गुडविल की अकाउंटिंग प्रोसेसिंग आप कैसे करेंगे, जर्नल एंट्री कैसे करेंगे। सबसे पहला आप हमारा क्वेश्चन ये है, सर फॉर्म्स गुडविल इट इज अ रेपुटेशन या गुड नेम ऑफ द फॉर्म, इट इज अ इनटेंजिबल एसेट्स ऑफ द फॉर्म, ये हमारी फॉर्म के लिए इनटेंजिबल एसेट्स है। नॉर्मली बात है एसेट्स है तो ये हमको बैलेंस शीट बिफोर रिकॉन्स्टिट्यूशन जो आपको बैलेंस शीट मिलेगी उस बैलेंस शीट में आपको एसेट्स साइड में रिकॉर्ड होगी, ओके। बट अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिसको AS बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 और 26, अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 10 और 26 और अकॉर्डिंग टू इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये बहुत इंपॉर्टेंट है वन मार्क से क्वेश्चन के लिए कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जो हम किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ऑपरेट करेंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 और 26 और अकॉर्डिंग टू इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दैट इज 38। अब अभी जो प्रोसेस चल रहा हमारा अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 38 इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 38 और 10 और 26 इंडियन अकाउंटिंग अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, ऐसी कंडीशन में कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग ये बोला गया है कि गुडविल इट इज इंटेंजिबल एसेट्स, इट शुड बी रिटर्न ऑफ आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूटेड पार्टनरशिप इन द ओल्ड रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर और एग्जिटिंग पार्टनर। तो हम इसकी एंट्री जो बना के चलेंगे, जब आप रिटर्न ऑफ करेंगे इस गुडविल को, डेबिटेड करेंगे पार्टनर्स कैपिटल में ओल्ड पार्टनर्स के एग्जिटिंग पार्टनर के ओल्ड रेशियो में, तो पार्टनर्स कैपिटल अमाउंट इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, दैट मींस उनको कुछ सर्टेन अमाउंट की कैपिटल में से एडजस्ट करेंगे, जो नेगेटिवली अमाउंट होता है तो वो कैपिटल पे नेगेटिव इफेक्ट डालेगा। तो जब मैं पार्टनर्स कैपिटल अमाउंट बनाऊंगा आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन तो शुड बी रिकॉर्डेड इन अ डेबिट साइड टू फॉर्म्स गुडविल करके एग्जिटिंग पार्टनर या ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में इसको रिटर्न ऑफ करेंगे। बट एट द टाइम ऑफ एडमिशन टाइम एंड डेथ में भी सेम ये ट्रीटमेंट है, तो हम इसकी एंट्री क्या करके चलेंगे, ओल्ड एग्जिटिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉर्म्स गुडविल अकाउंट, दैट मीन्स ये गुडविल अब आपको न्यू बैलेंस शीट, दैट मीन्स आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म आपको बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं करनी है। और एक बात हमेशा एक चीज ध्यान रखना, जो परचेज गुडविल होती है एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, एक होती है परचेज गुडविल। मैंने आपको पहले भी प्रीवियस सेशन में बताया था कि जनरली दो तरह की टाइप्स ऑफ गुडविल, दो तरह का होता है, एक परचेज गुडविल और एक होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल कभी भी न्यू बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं होगी,
आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन जो परचेज गुडविल है जो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है अभी, आगे आप हायर स्टडीज वगैरह में पढ़ेंगे तो उसमें हमें परचेज गुडविल को शुड बी रिकॉर्डेड इन एसेट साइड, बट हम बात कर रहे हैं अभी 12 की, तो अकॉर्डिंग टू 12 अब आपको आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्ट ऑफ योर फर्म गुडविल का ट्रीटमेंट रिकॉर्ड नहीं करना है। ओके, तो हमारी एंट्री जो बन रही है क्या बन रही है, ओल्ड एग्जिस्टिंग पार्टनर्स चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग में एग्जिस्टिंग पार्टनर्स एडमिशन रिटायरमेंट डेट में अपन इसको ओल्ड पार्टनर्स लेके चलेंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फर्म्स गुडविल अकाउंट। नरेशन बीइंग फर्म्स गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशियो ऑफ ओल्ड और एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। ओके, तो हमारी एंट्री क्या बनी, नरेशन क्या भी बीइंग फर्म्स गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशियो ऑफ ओल्ड एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो कुल मिला के आपको एक समराइजिंग यही करनी है कि सर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जब हमारे पास आ रहा है रिकॉन्स्टिट्यूशन पार्टनर की फॉर्म की कंडीशन में, तो जनरली हम दो तरह की गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, नंबर वन फॉर्म्स गुडविल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ फॉर्म गुडविल, बट अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और AS 1026 इंटेंजिबल एसेट का प्रोविजन होता है इसके अंदर हमारा, और अकॉर्डिंग टू इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 38 के अकॉर्डिंग कंपनी एक्ट 2013 और 14 में फर्म्स की गुडविल जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है शुड नॉट बी रिकॉर्डेड आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनर फर्म इन एसेट साइड, सो इट विल बी रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग या ओल्ड पार्टनर, दैट मींस एंट्री विल बी ओल्ड या एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डायरेक्ट टू फर्म्स गुडविल, ऑलवेज टू फर्म्स गुडविल। ठीक है, ये हमारे पास पहला ट्रीटमेंट हो गया अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म्स गुडविल। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सेकंड टाइप ऑफ गुडविल इन अ प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। ओके, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन रही जो हमें ध्यान देनी है। अब हम बात कर रहे हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमाउंट द एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो एक चीज मैंने पहले भी आपको क्लियर करी है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के लिए हमें तीन तरह के प्रॉफिट की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट। लेकिन जब हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करेंगे हमेशा फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन होगा, उसके लिए हमारे पास में तीन मेथड होते हैं, लेकिन मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ एडमिशन के टाइम पे ये हमारे चार मेथड हो जाएंगे, लेकिन अभी हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमाउंट द एग्जिस्टिंग पार्टनर वाले चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं, तो हम एक चीज मान के चलेंगे सर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमाउंट द एग्जिस्टिंग पार्टनर में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के तीन मेथड है, नंबर वन एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसमें आपने एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ परचेजिंग एंड से मल्टीप्लाई कर दिया, नंबर टू सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर इन नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ द बिजनेस या परचेजिंग अपने बाद 3 times to 4 times मल्टीप्लाई, नंबर थ्री कैपिटलाइजेशन मेथड, जिसका अभी हमने प्रैक्टिकल सब नहीं करा है, अब हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बाद में इसको प्रैक्टिकली ही लेके चलेंगे, पहले वैल्यूएशन देन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, लेकिन चैप्टर हम एडिशनली पढ़ रहे हैं सॉरी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमाउंट द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। ओके, इस चीज का ध्यान देना हमने कि हम जब कैपिटलाइजेशन मेथड को फॉलो करेंगे उसमें भी दो मेथड है, लेकिन ये मेथड सब रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनर फॉर्म में हर चैप्टर में कॉमन है, चाहे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमाउंट द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स आप कर लीजिए, चाहे आप एडमिशन के टाइम पे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कर लीजिए, चाहे आप रिटायरमेंट ऑफ डेथ ऑफ द पार्टनर के टाइम पे आप वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कीजिए, सिमिलर है, कोई फर्क नहीं होता है, लेकिन अकाउंटिंग प्रोसेसिंग तीनों चैप्टर में अलग अलग है, लेकिन हम फर्म की गुडविल का जो ट्रीटमेंट होता है, लिसन केयरफुली, हम फर्म की गुडविल का जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो तीनों ही कंडीशन में रिकॉन्स्टिट्यूट की बिल्कुल एक एंट्री के लिए जो मैंने अभी रब कर दी है, इससे पहले मैंने आपको शो करी थी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और एग्जिस्टिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फर्म्स गुडविल अकाउंट। बट अब जो सेकंड हमारे पास पॉइंट है दैट इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑफ ए एग्जिस्टिंग पार्टनर, सेकंड पॉइंट जो हमारे पास चलेगा इस चैप्टर के अकॉर्डिंग
हम एडमिशन में इसको बोलेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑफ ए न्यू पार्टनर एंड रिटायरमेंट डेथ के टाइम पे हम इस टॉपिक को बोलेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑफ रिटायर्ड और डेथ पार्टनर्स. ओके, बट अभी हम एडजस्टमेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं एग्जीक्यूटिव पार्टनर चेंज इन प्रॉफिट शेयर रेशियो अमंग द एग्जीक्यूटिव पार्टनर. तो मैं इसमें करूंगा नंबर टू गुडविल ऑफ गुडविल ट्रीटमेंट ऑफ शेयरिंग रेशियो चेंज करते थे तो उस कंडीशन में हमारे पास में एक कंडीशन अराइज होती थी सर्टेन एग्जिटिंग पार्टनर को गेन होता था और सर्टेन एग्जिटिंग पार्टनर को सैक्रिफाइस करना पड़ता था. बट हम उसमें एक चीज मानते थे सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ एग्जिटिंग पार्टनर इज ऑलवेज इक्वल टू गेनिंग रेशियो ऑफ एग्जिटिंग पार्टनर. ये क्लियर है बेटा? ये पहले प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने मेरा देखा हुआ है. पहला पॉइंट में ये करा था डिटरमिनेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो ऑफ एग्जिटिंग पार्टनर. तो sacrificing equals to gaining of existing partner. किसी को फायदा है तो किसी को लॉस है. बट अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जब मैं फर्म की गुडविल का ट्रीटमेंट कर रहा था तो मैं उसको गुडविल रेपुटेशन या गुड नेम से डिनोट कर रहा था जिसकी मैंने एंट्री अभी प्रीवियसली जस्ट इससे पहले ही आपको बताई थी. बट जब मैं गुडविल ट्रीटमेंट ऑफ एक्जिटिंग पार्टनर करूंगा दैट मीन्स कंपनसेशन अमाउंट पहले भी मैंने आपको चीज क्लियर कर रखी है. व्हाट इज द मीनिंग बाय एग्जिटिंग पार्टनर गुडविल, व्हाट इज द मीनिंग बाय न्यू पार्टनर गुडविल, व्हाट इज द मीनिंग बाय रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर ऑफ गुडविल. एक सिंपल अपने पास डेफिनेशन है कंपनसेशन अमाउंट विच विल बी गिवन बाय गेनिंग पार्टनर टू द सैक्रिफाइसिंग दैट इज नोन एज ए गुडविल ऑफ एग्जिटिंग पार्टनर. कि जब किसी को फायदा हो रहा है किसी को नुकसान हो रहा है तो ये अभी के लिए बात नहीं हो रही बेटा, ये फ्यूचर तक बात चलेगी कि अगर एग्जिटिंग पार्टनर अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में अगर किसी भी तरह के चेंजेस कर रहे हैं तो ये एक ईयर की बात नहीं है. जब तक अगला रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं होता फॉर्म में, जब तक फॉर्म दोबारा रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं होगी 2 साल 3 साल 4 साल तक, तब तक एक सेट जो एग्जिटिंग पार्टनर है उनको सैक्रिफाइस भी करना पड़ेगा वो फ्यूचर तक के लिए भी, और किसी सर्टेन पार्टनर को गेन भी होता रहेगा फ्यूचर तक के लिए. तो उस गेन को अचीव करने के लिए गेनिंग पार्टनर को एक पर्टिकुलर अमाउंट पे करना पड़ता है, सर्टेन अमाउंट पे करना पड़ता है एज ए कंपनसेशन दैट इज नोन एज ए गुडविल ऑफ ए एग्जिटिंग या सैक्रिफाइसिंग पार्टनर. ओके, तो एक बेसिक चीज पे आप चलना, ये कंपनसेशन अमाउंट गेनिंग पार्टनर गिव करता देता है और ये सर्टेन कंपनसेशन अमाउंट है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर टेक करता है, मतलब उसको मिलता है. एक नॉर्मल कंडीशन जो पार्टनर गेनिंग पार्टनर अमाउंट दे रहा है कंपनसेशन, इस कंपनसेशन का उसमें कैपिटल अकाउंट पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि पैसा जा रहा है उसके पास है तो नेचुरली बात है उसकी कैपिटल डिडक्ट होगी. और जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर एक कंपनसेशन अमाउंट ले रहा होगा उसको वो पैसा मिल रहा है वो उसके कैपिटल अमाउंट पे पॉजिटिव इफेक्ट डालेगा, मतलब उसका पैसा मिल रहा है कैपिटल इंक्रीज करेगी. अब मैंने आपको बड़ा पहले भी एक चीज बता रखी है कि ऐसा कोई भी एडजस्टमेंट जो पार्टनर कैपिटल अमाउंट पे पॉजिटिव इफेक्ट डालेगा, सबसे पहली बात जब मैं पार्टनर्स कैपिटल अमाउंट बनाऊंगा तो उस एडजस्टमेंट को क्रेडिट शीट में रिकॉर्ड करूंगा. जस्ट प्रीवियस चैप्टर में आपने देखा था आईओसी सैलरी कमीशन नेट प्रॉफिट में जो शेयर होता था वो पार्टनर में पॉजिटिव इफेक्ट डालता था, हम उसको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर रहे थे. ओके, ड्रॉइंग्स इंटरेस्ट ऑन नेगेटिव इफेक्ट था हमने डेबिट साइड में रिकॉर्ड करा. तो सेम वही ट्रीटमेंट अपन यहाँ पे भी फॉलो कर रहे हैं, हम यही मान के चलेंगे कि सर यहाँ पे गेनिंग पार्टनर कोई चीज दे रहा है तो कैपिटल अकाउंट में ये डेबिट पर लिखना चाहिए हमें, और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को मिलेगा तो उस सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के कैपिटल में पॉजिटिव है तो क्रेडिट शेड में हमें रिकॉर्ड करना चाहिए. बट मैं अगर अकाउंटिंग प्रोसेसिंग के बेस पे चलूंगा इसकी एंट्री बनाऊंगा तो हमारी एंट्री क्या बननी चाहिए, गेनिंग पार्टनर अमाउंट दे रहा है शुड बी डेबिटेड इन एंट्री एंड सैक्रिफाइसिंग पार्टनर अचीव द कंपनसेशन अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड.
अगर मैं इसको नॉर्मल एंट्री के बेस पे लेके चलूंगा तो मेरी एंट्री क्या बनेगी इस बेस पे, जो हम एंट्री शो करें दैट इज गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो एंट्री क्या होने वाली, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. नरेशन बीइंग compensation given to gaining partner to sacrificing partner. और इसमें दूसरी नेशन में कौन सकते हैं कि being goodwill of gaining partner written off in sacrification of the sacrifice partner. ओके तो एक नॉर्मली अपने पास एंट्री बन रही है. और आपको एक चीज मैं और बताना चाहूंगा इस कंडीशन में कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जो आपने एग्जिटिंग पार्टनर की कंडीशन में चेंज इन प्रॉफिट शेयर रेशियो अमंग द एग्जिटिंग पार्टनर की कंडीशन में आपने जो एंट्री गेनिंग और सैक्रिफाइस पार्टनर की कर रखी है, गेनिंग पार्टनर डेबिट सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट, बिल्कुल सेम यही एंट्री जब हम रिटायरमेंट डेट की कंडीशन में आएंगे तो रिटायर पार्टनर एक नेचुरली बात करते हैं. आप एक नॉर्मली बात में समझो, अगर कोई नया पार्टनर एडमिशन लेता है तो उस कंडीशन में ओल्ड पार्टनर को न्यू पार्टनर के फेवर में सैक्रिफाइस करना पड़ेगा. बिकॉज पहले हमारे प्रॉफिट के दो ही शेयरिंग रेशियो होते थे. मान लीजिए एयर भी दो पार्टनर्स थे तो आपने प्रॉफिट शेयर रेशियो इन दोनों पार्टनर में कर रखा है. जब कोई नया पार्टनर एडमिशन लेगा नेचुरली बात है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तीन में होने लग जाएगी. कितने में? तीन में. तो अब जो न्यू पार्टनर अपना शेयर एक्वायर कर रहा है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ओल्ड पार्टनर को बाजार से तो ओल्ड पार्टनर को ला के देंगे नहीं, उनको अब फॉर्म उनको चलानी है. उस फॉर्म में से उन्होंने अपने कुछ सर्टन पार्ट को एज ए सैक्रिफाइस कराया है न्यू पार्टनर के फेवर में. तो ऐसी कंडीशन में अब न्यू पार्टनर को ओल्ड पार्टनर को कंपनसेशन देना पड़ेगा. अब वहां पे क्या एंट्री बनेगी एज ए टाइप ऑफ एडमिशन, मैंने पहले भी कह दिया बेटा, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. आप जो मॉनेटरी टर्म्स या मॉनेटरी वैल्यू निकालेंगे गुडविल की हर कंडीशन में रिकॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन में एक ही तरह से कैलकुलेट होती है, एवरेज प्रॉफिट के बेस पे, सुपर प्रॉफिट के बेस पे, कैपिटलाइजेशन के बेस पे. लेकिन अकाउंटिंग प्रोसेसिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम अलग अलग लेके चलते हैं. लेकिन रिटायरमेंट डेट में क्या कंडीशन है हम इसको भी क्लियर कर लें सर. जब कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेता है या उसकी सडनली डेथ हो जाती है तो जो रिमेनिंग पार्टनर है उनको उसका गेन हो जाता है. क्योंकि हम एक नॉर्मली बात मान रहे हैं जब तक तीन पार्टनर्स थे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तीन में जाता था, प्रॉफिट जो भी डिवाइड होता था तीन में होता था. लेकिन अगर किसी पार्टनर ने रिटायरमेंट ले लिया या उसकी सडनली डेथ हो गई और मान लीजिए उसका जो भी रिप्रेजेंटेटिव है फ्यूचर में पार्टनरशिप में नहीं आना चाह रहा है तो फ्यूचर में अब रिमेनिंग पार्टनर तो रह जाएंगे. तो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तीन में जा रहा था टू में होने लग जाएगा. तो ऐसी कंडीशन में रिटायरमेंट होने पर डेथ होने पर रिमेनिंग पार्टनर को गेन होता है. लेकिन अब इस कंडीशन में जो पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है डेथ हो रही इस पार्टनर की वो एक कंपनसेशन लेता है इनसे रिमेनिंग पार्टनर से. तो मैंने अभी भी क्या बोला उस कंडीशन में भी बिल्कुल सेम यही एंट्री बनेगी एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिटिंग पार्टनर एंड नंबर टू एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट डेथ ऑफ अ पार्टनर आपकी जो गुडविल ट्रीटमेंट की एंट्री होती है एग्जिटिंग पार्टनर के बिहाफ पे या रिटायर पार्टनर या डेथ पार्टनर के बिहाफ पे बिल्कुल सेम होगी. उसमें रिमेनिंग पार्टनर जो रिटायर पार्टनर कुछ कंपनसेशन पे करते हैं तो रिटायर पार्टनर पे ये पॉजिटिवली होता है और रिमेनिंग पार्टनर पे कैपिटल पे नेगेटिव इफेक्ट डालेगा. तो मेरी उसमें एंट्री सिर्फ गेनिंग और सैक्रिफाइस की जगह हो जाएगी रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायर पार्टनर्स कैपिटल. सिर्फ इसका फर्क है गेनिंग सैक्रिफाइस रिमेनिंग एंड रिटायर, बाकी कंडीशन एज इट इज ही चलेगी. ओके तो कुल मिला के जो आज की क्लास में हमने जो क्लियर कराया वो करा था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिटिंग पार्टनर्स. अब बेटा कल के वीडियो में मैं आपको
इसको प्रैक्टिकली बताऊंगा, प्रैक्टिकली अपन इसको एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करेंगे, और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करने के बाद में देन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। मैंने अभी भी कहा कि टाइम आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में लगेगा, क्योंकि वो आपका एक मेन टॉपिक है, अमाउंट कैलकुलेट करना। बाकी हमारे पास में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना एक ही तो एंट्री आपको बनानी है, आप एंट्री इजीली बना सकते हो, बट हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऑफ फर्म करने का ऑब्जेक्ट भी क्लियर रखेंगे कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म हम किसके लिए कर रहे हैं, टू फाइंड आउट ए कंपनसेशन अमाउंट, आपको फाइंड आउट करने के लिए ये वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की रिक्वायरमेंट है। ओके, तो आज की क्लास यही ओवर करेंगे। आई थिंक आज की क्लास में आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जो है हमारे पास में, जो हमने टॉपिक थ्योरिकल पढ़ा भी बोर्ड के अंदर, ये मैंने नोट्स में आपको प्रोवाइड करा रखा, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने, ठीक है, आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि कल की जो क्लास है मैं कल की क्लास में इसको आपको एक प्रैक्टिकल सम, एक या दो जितने भी हो जाएंगे हमारे न्यूमेरिकल सम में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को क्लियर करूंगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बी सेफ एट होम एंड डू योर स्टडी इन रेगुलर बेसिस। अपनी स्टडी को ग्रिप कमजोर ना कामें नहीं करनी है, रेगुलरली आपको अपनी स्टडी को मेंटेन रखना है। इसी के साथ में मैं वीडियो ओवर कर रहा हूँ। थैंक यू।